नमस्कार, आपका स्वागत है मैथ मैजिक में। मैं हूं सुशील जोशी और आज हम हाउ मेनी स्क्वायर्स पार्ट टू क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी का पढ़ाई करेंगे, जिसमें आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इस टॉपिक के तहत हम लोग फार्मूला से कैसे पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं वो बस हम 30 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आखिरी में बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको एक स्क्रीन दिख रही है अभी, यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। मैं बताना चाहता हूं कि एक जनरल फॉर्मूला अगर हम पेरीमीटर का देखना चाहते हैं तो पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप जनरली बताना चाहते हैं तो आप कहोगे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर। मान लो ये कोई भी आपको फिगर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है इस फॉर्मूले से। तो मैं क्या करूंगा, ए पहले तो इसको नाम दूंगा, बी सी डी, तो इन चारों साइड्स को मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करके निकालूंगा, तब मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे भी हमारा आंसर सेम ही आता है। बट आज हम लोग पहले देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लिखने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए, पहले आपको जब तक टॉपिक समझ में नहीं आता तब तक आप उसे लिखिएगा मत, पहले ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है आपको। फॉर्मूला हमारा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी। अब बच्चों यहाँ पे एल और बी क्या होता है, तो देखिए एल होती है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एल ई एन जी टी एच लेंथ, एंड बी होती है ब्रेथ। समटाइम्स इस ब्रेड्थ को दूसरा एक वर्ड यूज किया जाता है, विड्थ। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि लेंथ एंड विड्थ आता है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो ब्रेड्थ बताया था, यहाँ पे विड्थ आया, तो दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहला कोई भी, मान लो ये फिगर दिया हुआ है आपको, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तब अब फार्मूला का यूज क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला लिखना है। भले ही एग्जाम में आप डायरेक्ट कीजिए आंसर बताइए, लेकिन यहां पर हम लोग फार्मूला से सीखेंगे। और टाइम देखिएगा, बिल्कुल 30 सेकंड में जब आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो आप आंसर निकाल लोगे। पहले मैं लिखता हूं, वी नो दैट पेरीमीटर के लिए मैं पी लिखता हूं, पी इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी। यहां तक अगर आपको याद है तो यहां से 30 सेकंड लगाइए, देखिए 30 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व करते कि नहीं। मैं टू लिखता हूँ, एल कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो टू एज इट इज 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये ब्रैकेट में निकालता हूं तो 2 × 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। है ना बच्चों आसान, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न करते हो तो देखिए 30 सेकंड के अंदर भी आप फास्ट एकदम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट जब हम निकालते हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन साइन देना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे 2 है और यहाँ ब्रैकेट निकाल देते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाता है। तो 2 का टेबल, आपको 20 का टेबल नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 टू 4, ये 0 बस पुट कर देना है। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल लेते हैं हम लोग, इसे नाम देता हूँ मैं पी क्यू आर एस। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर। सपोज कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब एस आर के बराबर क्या होगी, ये साइड इक्वल है और इसके बराबर ये साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये आपको याद रखना है। फिर से मैंने क्या बताया आपको कि मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 (l+b) लेंथ। अब लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, 18 सेंटीमीटर, तो एल की जगह मैं लिखता हूँ 18 सेंटीमीटर। बी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो बी की जगह 4 सेंटीमीटर लिखता हूँ। दोनों को मैं प्लस करूंगा, देखिए इन दोनों को प्लस करना है, 18 + 4 22 सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये ब्रैकेट में निकालता हूँ तो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 22 और 2 टू 4, 2 टू 4 ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सॉल्व करना है। अब देखिए कई बार एग्जाम में आपको विदाउट फिगर अगर क्वेश्चन देते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे। मान लो हमें एग्जाम में फिगर नहीं दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब तक पता नहीं चलेंगे तब तक आपका मैथ्स में स्किल अच्छे से नहीं होगा। तो हम लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में देखने वाले। तो क्वेश्चन रहेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज हुज लेंथ एंड विड्थ इज, विड्थ आर, दो क्वेश्चन देखेंगे हम, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और दूसरा क्वेश्चन है एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, ए के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं पी इज इक्वल टू 2 (l+b) इसके बराबर हो जाएगा 2 एज इट इज, एल की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्लस बी की वैल्यू है यहाँ पे 3 है, 3 सेंटीमीटर। दोनों को क्या करना है, ब्रैकेट में पहले प्लस करना है 2 एज इट इज, 5 + 3 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट आपने हटा दिया तो 2 × 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों दिस वे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो दो तरह के क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर तीसरा एक टाइप होता है वर्ड प्रॉब्लम, वो भी हम लोग इसी में कवर कर लेते हैं। देखिए अब आपको ताकि अच्छे से पता चल जाएगा कि ये टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप बी है जो आप अभी मैंने आपको बताया बच्चों, वो आप क्या कर लेना, होमवर्क में सॉल्व कर लेना। बी क्वेश्चन देखिए, इसको आप होमवर्क लिखना, इसे सॉल्व करके देखना है कि आपको आता है कि नहीं। चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेड्थ 18 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। ये क्वेश्चन आपको दिया है तो देखिए सॉल्व करना है, पेरीमीटर पूछा है तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पी इज इक्वल टू 2 (l+b). ये किसके लिए फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए। तो टू एज इट इज लेंथ कितना दिया हुआ है, सेम प्रोसीजर 20 मीटर प्लस ब्रेड दिया हुआ है 18 मीटर, ये फॉर्मूला आ जाएगा टू, ब्रैकेट में प्लस करना है आपको, 20 प्लस 18 हो जाएगा 38 मीटर और टू मल्टीप्लाइड बाय 38 मीटर। अब देखिए जिनको आता है तो ठीक है, इस तरह का 2 8 16, 2 3 6 7, या फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है 2 8 16 कैरी वन, 16 में से 6 लिखा कैरी वन आया, 2 3 6 प्लस ये 1 7, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये हो गई, ये तीन तरह के टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालना है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। मैं लिखता हूं यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एल इंटू बी मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये याद रखना है। इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, ये लिखा है इसकी जगह पे, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मैं पहले क्वेश्चन लेता हूं, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, ट्वेल्व सेंटीमीटर, यहां पे मैं लेता हूं 15 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मैंने क्या कहा, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। देखिए 12 15 जा, ये आपको याद रखना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन तो आपको हमेशा याद रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आपको लर्न करना है। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए चेक करके देखते हैं हम लोग की आंसर सही आता कि नहीं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 2 30 कैरी आया 3, 15 2 30 कैरी 3 आया, 15 1 15, 15 प्लस 3 18, तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा थोड़ा बड़ा लेते हैं हम लोग, 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर से एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल है 20 सेंटीमीटर और बी है 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि यहाँ एक बार सेंटीमीटर, यहाँ एक बार सेंटीमीटर है, मैंने एक बार लिखा, क्या सही है, नहीं है। आपको याद रखना है कि जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। मतलब दो संख्याओं को, मान लो ए और ए है, ये दो संख्या है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जब दो सेम संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर कहा जाता है। तो इसीलिए आप लिखते समय एरिया जब लिखोगे, सिर्फ स्पेशल किसके लिए, एरिया के लिए, दो बार आ रहा है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या और स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है, आपको दोनों में से एक चीज लिखनी है और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था पहले नंबर को नंबर के साथ, 2 × 1 2, 0 कितने, 1 और 2, 2 0 मैंने यहाँ लगा दी, दो बार सेंटीमीटर आया तो यहाँ पे लिखना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मैं सिर्फ SQ लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, या पूरा लिखना है आप तो ऐसे लिखोगे 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर।
हमेशा याद रखिए कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट लगाना है। मतलब यूनिट मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिख रहा है ना, इसको यूनिट कहा जाता है, मेजरिंग यूनिट। सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं हम लोग। अगर मीटर होगा तो मीटर लगाना है आपको, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दैट इज इसका भी एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तो एरिया आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेड्थ 30 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप इसको बना भी सकते हो, ऐसे फिगर बना सकते हो। यहाँ रेक्टेंगल निकाला मैंने, लेंथ दी है तो लेंथ है 50 मीटर, विड्थ दी है तो 30 मीटर। फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 50 मीटर इंटू 30 मीटर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहले नंबर को नंबर के साथ, 5 3 15, 5 3 15, और यहाँ पे एक और दो जीरो, एक दो जीरो आप लगाओगे। और मीटर कितनी बार है, दो बार है। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर एस क्यू मीटर या मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना है आपको, दोनों में से एक, मतलब कोई भी आपको याद करना है। स्क्वायर मीटर, एस क्यू मतलब एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से देखिए बच्चों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से मैं फॉर्मूला रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये बिल्कुल ही लर्न करना है आपको। और देखिए जब आप ये वीडियो देखोगे लाइव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको किस तरह से वीडियो लगाए। कोई सजेशन हो आपके या कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग उसे अच्छे से कवर कर सके। अब हम चलते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर की तरफ। ये पहला टॉपिक हमारा रेक्टेंगल का कंप्लीट हो चुका है।